अब मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? बफरिंग हो रहा है। यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अमित दवे, के वी पश्चिम विहार, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग बेटा शुरू करने जा रहे हैं एक टॉपिक, एरर एंड आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन। क्योंकि ऑलरेडी दो क्लास में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो किया हुआ है, एक फर्स्ट क्लास में हमने देखा था टोकन, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर, ऑपरेटर, ऐसी कुछ थ्योरी टर्म्स। बेसिक क्लास 11 का रिविजन टू है ये चैप्टर। तो ये रिविजन टू चैप्टर को हम ऐसे यूं आसानी से नहीं ले सकते कि 11 में तो पढ़ा है अभी चल जाएगा। बेटा इससे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, और उनमें से कॉमन क्वेश्चन है एरर फाइंडिंग क्वेश्चन और एक आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन। तो ये 2 मार्क और 3 मार्क ऐसे क्वेश्चन करीब करीब 5 मार्क के इसी रिविजन टू चैप्टर से आते हैं। तो आज हमारा टारगेट यही है कि हमने जो इफ एल्स और लूप का जो रिविजन किया था उसी को अप्लाई करते हुए हम कुछ एरर फाइंडिंग और आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, और इसके बाद इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर के एंड में आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेगी, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस बेस्ड हैं। मैं तो बस यहाँ पर आपको एक इनको करने की मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, यस। तो पहला जो क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हुए आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन समझना, कितना भी क्वेश्चन आसान हो उसको आंसर को लिखने का तरीका भी एक मैटर करेगा। कुछ बच्चे वो भी ढंग से नहीं अप्लाई कर पाते, इसलिए उनके मार्क्स चले जाते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है फाइंड एरर इन द फॉलोइंग कोड इफ एनी। द करेक्ट कोड बाय रीराइटिंग द कोड, अंडरलाइन द करेक्शन। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें हमको एरर फाइंडिंग करना है, और एरर फाइंडिंग के लिए क्वेश्चन में आपसे कम से कम एक्सपेक्ट किया जाता है कम से कम 4 एरर मिलती मिलना चाहिए ज्यादातर केस में, ऐसा नहीं 100% श्योर। तो एक बार और वॉल्यूम चेक कर लें हम, कहीं ऐसा तो नहीं कि आवाज नहीं आ रहा है, कोई इश्यू ऐसा है? प्लीज आपके कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं अपने कमेंट से समझ पाऊंगा कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं। कमेंट में लिखिए आवाज आ रहा है, यस और नो। कमेंट में लिखिएगा यस और नो, तो मैं सुन समझ पाऊंगा कि आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। ओके, यस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन सामने, एक्स इक्वल इंट इंटर वैल्यू ऑफ एक्स कॉलन फॉर आई इन रेंज 0 10। बेटा ये पूरा कोड जो है जब आएगा तो आपको इसमें कम से कम 4 एरर तो ढूंढना ही है, आधा मार्क 1 एरर ढूंढने पर मिलता है। तो सामने ही दिख रहा है यहां पर कि पहला केस, सामने पहला केस क्या दिख रहा है, एक्स इक्वल एंड एंटर। ये एक प्लेस जो है यहां पर सिंपल सिली मिस्टेक ये की हुई क्वेश्चन में, जानबूझकर इनपुट गायब कर। आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए कि इनपुट करते समय सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स ये है, डेटा टाइप का नाम, उसके बाद इनपुट, और उसके बाद स्ट्रिंग मैसेज। तो ये करेक्टेड कोड भी सामने दिख रहा है कि जब भी कोई इनपुट करना हो तो इनपुट फंक्शन यूज करना कंपलसरी है। तो ये एक एरर केस। उसके बाद अगली लाइन में फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा 10। हाँ, यहां पर 0 कॉमा 10 में यूज किए हुए स्क्वायर ब्रैकेट, रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन में हमने लास्ट क्लास में देखा पेरेंथेसिस मेंशन होता है, और पेरेंथेसिस में लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट +1 मेंशन होता है। तो हम यहां पर 0 कॉमा 10 को मेंशन करेंगे पेरेंथेसिस में।
तो ये सेकंड एरर का केस। अब तीसरा केस, तीसरे केस में एक एरर जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो ध्यान देने वाली बात, इंडेंटेशन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इंडेंटेशन पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इंडेंट प्रॉपर नहीं है। इवन इसके सॉल्यूशन में मैंने टाइप प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है, मैंने भी यहां पे प्रिंट मिस्टेक की हुई है। ये इफ और ये एल्स, ये प्रॉपर दोनों लाइन में अलाइन में आना चाहिए, और उसके अंदर का प्रिंट जो है वो यहां से आना चाहिए। तो प्रिंट एक्स प्लस वाई, अभी मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि अलाइनमेंट भी बहुत जरूरी है इंडेंटेशन। तो फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज के अंदर इफ एक्स इक्वल वाई, और फिर उसके अंदर प्रिंट एक्स प्लस वाई, उसके बाद एल्स इफ के लाइन में, और फिर प्रिंट एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से इसमें ये टोटल तीन एरर तो आपको अंडरलाइन की हुई दिखी रही है, एक दो और तीन। चौथी जो एरर है वो इसके इंडेंट की, इंडेंट की एरर क्या रहेगी, फॉर के अंदर रहेगा इफ इस जगह पर, और दूसरी चीज मैं यहीं पर कोड में इसको करेक्ट कर दूं, यहां पर इतना एरिया जो करेक्ट होगा वो इस तरीके से होगा, और इन रेंज एक मिस्टेक, तो यहां पर ये क्या दिख रही है जो इग्नोर की गई है वो है फॉर आई इन रेंज। फॉर लूप में रेंज फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो एक काउंटर वेरिएबल होना कंपलसरी है, तो ये भी एक एरर है। उसके बाद 0, n। नेक्स्ट, फिर यहां पर ये जो इंडेंट की बात कर रहे हैं हम, वो ये इफ एक्स, वैसे कंपलसरी नहीं है कि यहां पर ब्रैकेट में ही लिखा जाए, पर बेटर ये होता है कि सारी चीजें कवर हो, पैरेंथेसिस तो ज्यादा अच्छा। ये इंडेंट की मैं बात कर रहा हूं, इफ, इफ के बाद फिर अंदर होगा प्रिंट एक्स प्लस वाई, उसके बाद एंटर, और फिर एल्स, एल्स का अलाइनमेंट देख रहे हैं आप इफ के सीध में, फिर कॉलन, और फिर प्रिंट एक्स माइनस वाई। आज स्क्रीन शेयर करने का रीजन मेरा यही था, क्योंकि बोर्ड पर भी इतनी क्लियरिटी नहीं हो पाती, आपको ही नए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। टाइपिंग में थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉपर रहता है, कैरेक्टर्स क्लियर रहते हैं, एक डॉट कॉमा कॉलन की मिस्टेक भी आपका आंसर रॉन्ग करवा सकती है। तो बाकी ये दो लाइनें, तो एक लाइन तो ऊपर की इसकी एरर आपको समझ में आई गई कि यहां पर इनपुट मिसिंग था। दूसरा जो है 0, 10 पैरेंथेसिस के अंदर आ गई, ये सेकंड एरर थी। थर्ड एरर, यहां पर काउंटर वेरिएबल मिसिंग है। सिंटेक्स याद रहे आप, फॉर आई इन रेंज ए कॉमा बी, तो इस तरीके से आपको लेना है इसको। और उसके बाद तीसरा जो है, उसके बाद तीसरा जो है यहां पर जो एरर रहेगी, इफ और एल्स और लूप का आपस में इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन जो है फॉर लूप के अंदर इफ यूज किया है तो फॉर के अंदर आएगा, इफ और एल्स एक सिंगल स्टेटमेंट है बेटा, कई सारी लाइनों में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट माना जाता है, तो जिस लाइन में इफ है उसका एल्स भी वहीं से अलाइंड होना प्रॉपर, इफ एल्स, ठीक है। और उसके बाद इफ के अंदर प्रिंट एक्स प्लस वाई, एल्स के अंदर प्रिंट एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये इसका करेक्टेड कोड है, ये आप जो साइड में इसको ना देखते हुए, ये सामने कोड जो है इसी को माने, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी एरर फाइंडिंग का ही क्वेश्चन है, देखिए इसको। Rewrite the following program after finding and correcting synthetical errors and underlining it. देखो सिंपल सा एक कोड दिया हुआ है, a comma b equal zero. a comma b equal zero, क्या मिसिंग लग रहा है? एक्चुअल में मिसिंग यहां पर ऐसा होगा, दो चीजें हैं,
एक वेरिएबल में आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो चलेगा, पर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल है। पाइथन अलाउ करता है मल्टीपल असाइनमेंट, पर मल्टीपल असाइनमेंट के लिए मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, जितने कॉमा लगा के वेरिएबल्स हैं उतनी कॉमा लगा के वैल्यूज चाहिए, अदरवाइज राइट हैंड साइड में, यदि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल है इधर मल्टीपल वैल्यूज है तो वो टपल या लिस्ट फॉर्म में, कलेक्शन फॉर्म में होना चाहिए। तो इन शॉर्ट यहाँ तो सिंपल से दो वेरिएबल है तो चाहिए हमको दो वैल्यू, ए कॉमा बी इक्वल जीरो, उसकी जगह करेक्शन होगा ए कॉमा बी जीरो कॉमा जीरो। इसके बाद इफ ए इक्वल बी, ये बहुत कॉमन केस है एरर का, ध्यान रखिए बेटा। इफ के अंदर कंडीशन में इक्वल साइन जो यूज होता है तो इक्वल की जगह डबल इक्वल यूज होता है, इज इक्वल टू कंपेयर करने के लिए, क्या ए इक्वल है बी के, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो ए डबल इक्वल बी लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि सिंगल इक्वल ऑपरेटर का मतलब है असाइनमेंट, मतलब ए में बी की वैल्यू असाइन की जा रही है, इसका तो मतलब ये जा रहा है जो कि गलत है यहां पर, तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा ए डबल इक्वल बी।